करते हैं ताकि आप दूसरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने। आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, कौन से आपके काउंसलर साथ में आएंगे, आप अपना परिचय दीजिए प्लीज। नमस्कार जी, मेरा नाम दीपक सिंह है, मैं एसडीपीजी कॉलेज पानीपत का छात्र हूँ और मैं पिछले 5 साल से रेडक्रॉस के यूथ रेडक्रॉस के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हमारे साथ हमारे काउंसलर राय डॉक्टर राकेश गर्ग, उसके साथ हमारे 5 वॉलंटियर हमारे साथ आए। आपको इस कैंप में क्या एक्सपीरियंस हुआ, अपना अनुभव क्या करना चाहेंगे कोई? इस कैंप में मैम स्पेशली मेरी पर्सनैलिटी में काफी डेवलपमेंट हुआ है। मैंने ना खेल खेल के अंदर काफी चीजें सीखी है कि मानवता की सेवा कैसे की जाए। अगर ये जो स्टेज हमारी लाइफ की हम लोग यूथ हैं तो हमें अपने साथ साथ हमारे समाज के बारे में भी सोचना चाहिए। और साथ में कल जैसे ऑर्गन डोनेशन के ऊपर लेक्चर था तो मैंने आई डोनेशन करने के लिए मैंने प्रण लिया कि मैं आई डोनेशन करूंगा। मैंने उसके लिए रजिस्ट्रेशन भी कर दिया है। उसके साथ साथ ब्लड डोनेशन हम लोग अभी से करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। और हमने काफी सारे लेक्चर्स यहाँ पे जैसे अटेंड किए पर्यावरण को बताने के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, भारत को समर्थ बनाने के लिए। ये सभी का मैंने बहुत कुछ सीखा और मैं वादा करता हूँ आगे समाज में सारे जगह पहुंचाऊंगा। क्या आप अपने कॉलेज में बता सकती हैं कि आपको कैसा अनुभव हुआ, क्या उनको प्रेरित करेंगे अपने वॉलंटियर्स को कॉलेज के? जैसे हम लोग 5 वॉलंटियर आए हैं, हम जाते अपने हमारे कॉलेज में करवाया है उनके साथ जरूर रूबरू होंगे, हम क्या सीख क्या है और हम अपना पूरा एक्सपीरियंस से शेयर करेंगे ताकि हमने जो सीखा वो आगे उनसे पहुंचे और उनसे विनती करेंगे कि वो आगे पहुंचाए। बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने बताया कि इन्होंने आई टू नेट के लिए भी सोचा और अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर दिया। मैं हरियाणा रेडक्रॉस सोसाइटी का तो दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो इस तरह के कैंप लगाते हैं और हमेशा फील्ड में रहते हैं और समाज के लिए हमेशा बच्चों को प्रेरित करते हैं और खुद भी कार्य करते हैं, हर आपदा में बढ़ चढ़ कर आगे रहते हैं। धन्यवाद, आपने बड़ा अच्छा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया ताकि आप दूसरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेंगे। थैंक यू वेरी मच, मैंने आपका समय लिया।